Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Students, it is the third lecture of the human race, the damned human race. Students, B.sc ka sabse important jo kaam kya hota hai, wo literature ko technique se likhna hota hai. Students, knowledge bahut aa gaya aapke paas, chapters ki translation sun liya aapne, har baat sun li, ye hua wo hua, badi cheeze aapke paas jama hai is time. Students, likhna kaam mushkil hai. Likhna kaise? मैं अगर आपसे कहता हूँ ना स्टूडेंट्स, आप लिखें, मुझे लिख कर दें, आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं शायद अपने पास से. हाँ, उसमें आप करेंगे क्या? आप ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे. दूसरी बात यह है कि ग्रामर मिस्टेक्स के साथ साथ आपको आप बहस ज़रूर करेंगे, आप लिखेंगे ज़रूर, लेकिन कौन सी बहस कहाँ करनी, कैसे करनी है और टू द पॉइंट कौन सी बात करनी है. राइटर बस इन चीज़ों से तंग पड़ता है. इन चीज़ों से राइटर तंग पड़ के क्या करता है? फिनिश कर देता है, वो ख़राब कर देता है पेपर आपका, ठीक है, नंबर कम देता है. स्टूडेंट्स, उस टेक्निक को सिखाने के लिए ये लेक्चर आपको वेलकम कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ. हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्रोज द डैम्ड ह्यूमन रेस. मेन थीम में सारी बातें आ जाती हैं. जी हाँ, मार्क ट्विन का मेन कहने का मतलब क्या था? स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. टेक्निक्स नोटिस कीजिएगा, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है. राइटिंग का सबसे पहला असूल क्या है? स्टूडेंट्स, असूल ये होता है, आपने जब एक लाइन लिखी, उस लाइन की वबस्तगी, उसका ताल्लुक दूसरी लाइन के साथ होना चाहिए. उसके बाद जब एक पैराग्राफ लिख दिए, तो उस पैराग्राफ की नुमाइंदगी अगला पैराग्राफ कर रहा हो. जब अगला पैराग्राफ कर रहा हो, तो उससे भी अगला वाला पैराग्राफ उन दोनों की नुमाइंदगी कर रहा हो. और जब ये पूरा सफ़ा कम्प्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट वाला पेज आपका पूरा पेज एक एक पैराग्राफ करके लास्ट वाली टेक्निक के साथ ही, कि एक पैराग्राफ दूसरे की नुमाइंदगी कर रहा हो, तो मतलब ये वाला पेज, इसमें पैराग्राफ्स पिछले सारे पैराग्राफ्स की, ये पैराग्राफ्स उनसे पिछले सारे पैराग्राफ्स की, और ये वाला पैराग्राफ सारे पैराग्राफ्स की. एक ये टेक्निक होती है. दूसरी टेक्निक ये होती है, सेंटेंसेस एक दूसरे से वबस्तगी होनी चाहिए, और इनके अंदर फिर रफ बात नहीं करनी, फजूल बहस नहीं करनी. अब वो क्या, वो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. साथ साथ बताता हूँ मैं आप लोगों को. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एसे इन विच, ये एक एसे है इन विच, जिसके अंदर वी सी द बेसिक एलिमेंट्स, हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टायर, सटायर के. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने स्टायर का वर्ड क्यों बोला, इसलिए बोला, स्ट्राइड का मतलब होता ही तंज है, नज़रिया तंज का. तो वो नज़रिया रखता था तंजिया का, तो वो तंजिए का नज़र जो हमने निकाल कर यहाँ पे लिख दिया, टू द पॉइंट, नुक्ते पे, पॉइंट पे बात मारी कि हाँ भाई, वो तंज कर रहा है पूरी इंसानियत पर, इसलिए स्टायर बताया. हम किसके एलिमेंट्स देख रहे हैं? सटायर के. किस पर देख रहे हैं? इंसान के शौक पर, एमचर. एमचर शौक कहते हैं, इंडिसेंसी बदतमीजी कहते हैं इंसान की, वल्गैरिटी बेहूदगियाँ कहते हैं, एंड ऑब्सेनिटी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. उसने इन तमाम किस्म की नेचर के ऊपर, फहाशी के ऊपर, बदतमीजी के ऊपर और बेहूदगी के ऊपर उसने स्टायर किया, उसने तंज किया. डायरेक्ट कोई इधर उधर की फजूल बात नहीं की, सीधा सीधा उसको जवाब दिया हमने. उसके बाद ये वाला सेंटेंस आप नीचे वाले सेंटेंस से कैसे जुड़ेगा देखें. ही प्रजेंट्स द हिडन एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब, ये जो ऊपर उसने बातें बताई ना, फहाशी, बदतमीज़ी, ये सब की सब बेहूदगियाँ, ये सारे की सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इंसान की, वो इनको प्रेजेंट करते हैं इंसानों के अंदर, दैट मेक्स देम वीक. और ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, किस लिहाज से? टू द लोएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सबसे छोटी वाली स्टेज पे ले जाती हैं, एज वी ऑब्जर्व, जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया. स्टूडेंट्स, इसमें अपना भी थोड़ा सा मशवरा आ गया और बात भी टू द पॉइंट हुई. ये पैराग्राफ आपका बिल्कुल सेट एंड फिट बैठा है, ठीक है. अब इस पैराग्राफ को देखना, नीचे वाला पैराग्राफ किस तरह से नुमाइंदगी करता है, ठीक है, देखते हैं. एक्चुअली हकीकत में इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि मार्क ट्विन, अब हम मार्क ट्विन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. मार्क ट्विन कहता है, वाज अ मॉडर्न अमेरिकन प्रोज राइटर. ये एक मॉडर्न अमेरिकन प्रोज राइटर है. दैट इज़ वाई, इसलिए ही प्रेजेंट्स क्रिटिसिज्म अबाउट ह्यूमैनिटी. इसलिए इसने क्रिटिसिज्म नुकताचीनी की किसके ऊपर? ह्यूमैनिटी पे, की थ्रू द साइंटिफिक मैथड, अपने साइंटिफिक मैथड के जरिए. जी चलते हैं, समझ आ गई. हमने राइटर की भी एक लाइन बताती है, वो ये करना चाह रहा है, उसने ये किया. अब नीचे वाली लाइन, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, आप ये देखें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अब थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ये लाइन ऊपर वाली लाइन से जुड़ी है. ही फील्स हिमसेल्फ ह्यूमिलिएशन, वो अपने आप को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को फील करता है, अपनी नज़रों में गिरा हुआ, तहकीर महसूस करता है. व्हेन ही कंपेयर्स द ट्रेट्स ऑफ लोअर एंड हाइएस्ट एनिमल्स, जब वो हाइएस्ट एंड लोअर एनिमल्स को कंपेयर करता है किसके साथ? विद ह्यूमन एबिलिटीज, इंसान की साहितों के साथ. यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ट्रेड्स भी लिख दें, कोई इशू नहीं. यहाँ पर हम मज़ीद लिख दें ट्रेड्स के साथ,
मैच कर रहा है, वो मतलब कंपेयर कर रहा है। आगे चलते हैं, एट द सेम टाइम ही वांट्स टू से दैट, वो ये कहना चाहता है कि, अब देखिएगा ये वाला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ये पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ की नुमाइंदगी करेगा। वांट्स टू से दैट मैन इज कॉल्ड द मैन क्राउन ऑफ क्रिएशन। अब देखें, इंसान कहलाता कि नहीं कहलाता, क्राउन ऑफ क्रिएशन मतलब ताज मखलूकात का, मतलब सबसे आला मखलूक है। ऐसे ही अब देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बेसिस पे कहलाता है ना। अब ये एक और नुकता चीनी होने लगी है, वो कहता है बट मार्क ट्विन सेज दैट, मार्क ट्विन ये कहता है कि ही इज़ यूजिंग, इंसान इस्तेमाल कर रहा है हिज इंटेलिजेंसी को, अपनी इंटेलिजेंसी को फॉर ब्रूटल नेचर, अपनी जुल्माना मेथड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपनी उस इंटेलिजेंसी को, एंड गिविंग न्यू वे और नया रास्ता दे रहा है ऑफ मैनियक्स, मैनियक को, मैनियक का मतलब होता है पागलपुना, दौलत के पीछे पागल हो जाना, दौलत मतलब दौलत नहीं, इसका मतलब होता है पागलपन, और नया रास्ता दे रहा है पागलपन का लोगों को। ही सेज इन दीज वर्ड्स, अब नीचे कोटेशन लिखने लगे हैं, तो ही सेज इन दीज वर्ड्स द इन्फ्लिक्ट्स एंड मैनियक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब वो यहाँ पर नीचे कोटेशन के अंदर इन्फ्लिक्ट्स जुल्म बताता है लोगों का, और मैनियक्स और पागलपन बताता है लोगों का। देखें कैसे, वन इज़ ओब्लाइज्ड, एक इंसान ओब्लाइज्ड है, वो मजबूर हो जाता है, क्या कैसे, टू कंसीड या तस्लीम करने पर, कंसीड तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है दैट के इन ट्रू लॉफ्टीनेस ऑफ करेक्टर, कि इंसान सच्चे किरदार की बुलंदगी, बुलंदी पर, लॉफ्टीनेस मतलब बुलंदी, सच्चे किरदार की बुलंदी पर भी इंसान, मैन कैन नॉट क्लेम्स टू अप्रोच, इंसान दावा नहीं कर सकता पहुँच का, किसकी पहुँच का, इवन द मीनेस्ट ऑफ हायर एनिमल्स, वो आला दर्जे के भी घटिया से घटिया जानवर के साथ अपने अंदर किरदार की आला कारकर्दगी को कह नहीं सकता कि मैं उनके बराबर भी हूँ। ये मतलब है उसकी कोटेशन का, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए अब इस कोटेशन ने इसकी रहनुमाई की, आगे चलते हैं। ही प्रूव्स हिज कोटेशन बाय सीइंग दैट, वो अपनी कोटेशन को प्रूव करता है ये कहते हुए, आई फाइंड, कहता है इन पूरे पैराग्राफ की कोटेशन ये वाली रहनुमाई करी, कैसे, कहता है आई फाइंड दिस डिफेक्ट, अभी जितनी भी इसके अंदर ये बातें हैं सारे डिफेक्ट हैं जो इंसान के अंदर थे, कहता है मैंने इस डिफेक्ट को फाइंड किया, टू बी द मॉरल सेंसेस, ये इंसान की इखलाकी हिस है जिसको मैंने नोट किया, इखलाकी हिस के अंदर नुकसान है, ये वो कहता है। आगे चलते हैं, मोर ओवर, स्टूडेंट्स मोर ओवर, मोर ओवर हमेशा तब लिखते हैं जब एक पैराग्राफ की बात खत्म हो जाए, जब दूसरी नई सेंस स्टार्ट हो। अब यहाँ पे नई सेंस स्टार्ट किया, और अब हम लोगों ने इस पैराग्राफ के अंदर जितना कुछ बताया ना, इसका सबूत हम अब इन दो पैराग्राफ में देंगे, कैसे, हमारे इंसिडेंट्स जो उस मार्क ट्विन ने चैप्टर के अंदर सारे इंसिडेंट्स डिस्कस किए उसमें से हमने सेलेक्टिव एक दो उठा लिए, ठीक है, अपने क्वेश्चन को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं, मोर ओवर ही हाईलाइट्स द अवेशियसनेस, अवेशियसनेस ग्रीड, अवेशियसनेस ग्रीड का मतलब होता है एवर्शियसनेस, ठीक है, दोनों तरह की प्रोनंसिएशंस हैं। इसका मतलब होता है फुल कमीनापन, लालच से भरा हुआ, मतलब फुल कमीनापन हम लालच के लिए करते हैं, ये मतलब होता है इन ह्यूमन इंटेलिजेंसी। अब हम वो डिस्कस करने लगे हैं इंसान की इंटेलिजेंसी में एवेशियसनेस ग्रीडिंग ग्रीड, ठीक है, ये डिस्कस करने लगे हैं। टू प्रूव, अब इसको साबित भी करना है, टू प्रूव करने के लिए ही प्रेजेंट्स टू अस, वो हमें देता है रियल स्टोरी, एक स्टोरी देता है ऑफ हंटर्स, शिकारियों की, दैट के दे किल 72 बफेलोस, उन्होंने 72 जो हैं बैल को कत्ल कर दिया शिकारियों ने, टू प्लीज एन इंग्लिश एरल, उन्होंने एक इंग्लिश एरल को, नवाब को खुश करने के लिए सब उन्होंने किया, 72 उन्होंने बैल मार दिया। अब देखना, बट ही, लेकिन उस नवाब ने ईट्स पार्ट ऑफ वन ऑफ देम, सिर्फ उसने उसमें से सिर्फ एक का हिस्सा थोड़ा सा खाया बस, एंड वेस्ट द रेस्ट टू ऑल, ओ सॉरी रेस्ट टू रूट, फिर उसने क्या किया, वेस्ट कर दिए, टू रेस्ट मतलब बाकी, ऑल तमाम के तमाम रूट गलने चढ़ने के लिए छोड़ दिया। अब देखें आगे, ये पूरा हो गया पैराग्राफ, अब नीचे दूसरा इंसिडेंट, इन एडिशन टू इट, अब मजीद इसमें ये कि मैन आल्सो बेस्टियल नेचर, इंसान एक बेस्टियल जुल्माना नेचर भी रखता है, ठीक है, अब वो क्या है, मैन प्रूव्स हिमसेल्फ व्हेन ही यूजेस रेड हॉट आयरन, देखिए अब कितना जालिम है कि वो, उसने साबित कर दिया इंसान ने कि जब वो रेड हॉट आयरन मतलब लाल सुर्ख तपता हुआ लोहा इस्तेमाल करता है, किसके लिए इस्तेमाल करता है, फॉर हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए, एंड कैन पुल द अपर स्किन, और बड़े आराम से उतार सकता है, ऊपर वाली स्किन को छील कर उतारता है ऑफ हिज ओपोनेंट्स, अपने मुखालफिन की लाइफ बिल्कुल जिंदा उतारता है, एंड स्कैटर साल्ट, और सॉल्ट को छिड़क देता है, स्कैटर होता है स्कैटर छिड़कना मतलब बिखरना, तो उस नमक छिड़का देता है ऑन इट, उसके ऊपर फिर
छिली हुई स्किन के ऊपर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इस बैस्टियन नेचर, सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, बैस्टियन नेचर मतलब अपनी जुल्माना तस्कीन के लिए जो उसके अंदर एक चल रहा है जुल्म उसके लिए। स्टूडेंट्स अब इन पैराग्राफ्स ने इन सारे इस पेज की, ये वाले पेज की नुमाइंदगी कर दी कि हाँ भाई ये हम दो वाक्या से इसके बात को साबित कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। सो ही कंक्लूड दैट, वो अब ये नतीजा निकालता दैट कि मैन इज वल्गर, इंसान एक बेहुदा है। यूसर्पर, यूसर्पर का मतलब होता है छीन लेता है लोगों से, ज़बरदस्ती छीन लेता है। स्लेव गुलाम भी है, रिलीजियस एनिमल मजहबी जानवर भी है, अनरीजनिंग एनिमल बगैर अकल से भी, बगैर अकल का जानवर है, मॉरल डिफेक्टेड इसके अंदर इखलाकी नुक्स हैं, एंड रिवेंजफुल नेचर और उसकी बदला लेने वाली नेचर है, नहीं छोड़ता, दिल में कीना पाल लेता है, ब्रूड ओवर एंड देन ब्रूडिंग ओवर, फिर उसके ऊपर ब्रूड ओवर गौर करता है एंड फाइंड अ प्लेस एंड फाइंड अ टाइम व्हेन वी व्हेन ही इज ही वाज इन पोजीशन टू टेक रिवेंज। ओके आगे चलते हैं। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में ही सेज वो कहता है एट द एंड ऑफ द एसे, एसे के लास्ट पे वो कहता है एंड सो आई फाइंड, देखना बात ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है मैंने ढूंढा पाया दैट के वी हैव डिसेंडेड, हम लोग जवाल पजीर हुए हैं, ठीक है, एंड डीजेनरेटेड, ख़राब तरीन होकर जवाल पजीर हुए हैं जी, फ्रॉम सम फॉर एंसेस्टर्स, हमारे कुछ दूर के आबाव अजदाद से हम लोग ख़राब होकर ही तबाह होते, जवाल पजीर होते हुए पैदा हुए हैं जी, क्योंकि हमारे आबाव अजदाद ने भी जुल्म किए हैं। आगे चलते हैं। वी सी दैट हिज एसेज, हम देखते हैं इसके एसेज जो है ना आर एक्सट्रीमली सिम्बॉलिक, वो इंतहाई तौर पर अलामती हैं एंड हैव लेयर्स ऑफ मीनिंग, और उनके अंदर ढेर सारे मीनिंग्स ही मीनिंग्स हैं। वी फाइंड इन दिस एसे, हमने इस एसे के अंदर क्या पाया, ऑल एलिमेंट्स पाए ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के तमाम जो है वो एलिमेंट्स पाए किसके, बिकॉज वी बिकम लस्टी फॉर नथिंग इन 21st सेंचुरी। कहते हैं हमने मॉडर्निटी के तमाम एलिमेंट्स कौन से पाए कि हम इस ज़माने में भी लस्टी हैं, प्यासे हैं, मतलब हबस के मारे हुए हैं, किसके लिए, फॉर नथिंग एनी कॉम कहीं अपनी 21वीं सदी में। आगे चलते हैं। एक्चुअली और लस्ट, हमारा जो लस्ट है वो क्या है, इस फॉर वर्ल्डली परस्यूट्स, हमारा लस्ट है ही सिर्फ दुनियावी ताकुब के पीछे, परस्यूट्स का मतलब होता है ताकुब करना, पीछा करना, भागना किसी चीज़ के पीछे, हम किस चीज़ के पीछे दौड़ लगी हमारी, वो है दुनियावी पैसा कमाने, एंड वी लॉस द एसेंशियल ट्रेड्स, और हम खो चुके हैं अपनी ज़रूरी खासियत को, वर्दी जो बड़ी काबिल रिस्पेक्ट है, अब हम किसको खो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑफ मेकिंग मैन द क्रोन ऑफ क्रिएशन, हम उस खासियत को खो चुके हैं जो बनाती है इंसान को क्या, तमाम मखलूक की ताज मखलूक बनाती है, मतलब तमाम मखलूकों में से आला बनाती है, हम उसको खो चुके हैं। आगे चलते हैं। वी हैव फैलन बैडली, हम लोग बड़ी बुरी तरह से गिर चुके हैं इन टू यनिंग चश्म, यनिंग चश्म का मतलब होता है ऐसी अता गहराई गड्ढे में गिर चुके हैं, बहुत गहराई की भी निचली गहराई तक जा चुके हैं, उसके नीचे वाली कोई और तय ना हो, वेयर वी हैव नथिंग बिलो अस, जहाँ पर हमारे पास इससे नीचे गिरने के लिए और कुछ है ही नहीं। स्टूडेंट्स ये थी टेक्निक पूरी आपकी इन दो पेजेस की, ये आपके 200 से प्लस वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स इनको आप लिखें, अगर कोई बात की समझ नहीं आई कमेंट्स करके मुझे पूछें जी। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को करवाया है वो हमारा थीम था मेन। स्टूडेंट्स इसमें आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, अब वो क्वेश्चन और कौन सा आ सकता है स्टूडेंट्स, वो ये आ सकता है, इस इन दोनों के अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, डिस्कस रिलीजियस एट्रोसिटीज दैट इज़ रेफर्ड बाय मार्क ट्वेन। स्टूडेंट्स एट्रोसिटीज़, इंसान मजहबी तौर पर बड़ा ज़ालम है, ठीक है, अब ये चीज़ सारे क्वेश्चंस का आंसर मेक हो गया, मतलब हम ये दो ही क्वेश्चन तैयार करेंगे, अगर तो आपको थीम का क्वेश्चन आया तो आप वो वाला क्वेश्चन लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, अगर आपको वो रिलीजियस एट्रोसिटीज़ पर बात करें तो आप लोग ये आंसर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम शुरू करते हैं इस आंसर को जो मैंने बनाया है आप लोग ये आसानी के लिए कि आप लोग इसको नोट करें और लेकर चलें, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। मार्क ट्वेन यूजेस द स्पेशल टेक्निक, देखिए स्टूडेंट्स टू द पॉइंट जो आप दे रहे हैं, उसने एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की टू प्रेजेंट रिलीजियस एट्रोसिटीज। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन के साथ आंसर दिया जाता है, मतलब उसी क्वेश्चन के आंसर को एलैबोरेट करना शुरू करते हैं डायरेक्टली। हमने देखा ये रिलीजियस एट्रोसिटीज को साथ ही ले लिया, मार्क ट्वेन यूजेस द स्पेशल टेक्निक टू प्रेजेंट रिलीजियस एट्रोसिटीज
दैट इज़ द माउथ पीस ऑफ हिज सटायर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक लाइन के अंदर उसके सारे सवाल का जवाब दे दिया। इसके सटायर का माउथ पीस है ये, क्या रिलीजियस एट्रोसिटीज दे दिया जवाब। अब हमने इसको प्रूव करना है, इस सेंटेंस को हमने साबित करना है। ही शोक्स द रीडर, वो रीडर को शोक कर देता है इन दिस वे, इस रास्ते से, कि वेन ही क्लेम्स दैट, जब वो ये दावा करता है दैट के नो बॉडी कैन एक्सपेक्ट, कोई भी तवक्कु नहीं कर सकता दैट के एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंपल नेचर कैन बी कॉल्ड हायर एनिमल्स। कोई तवक्कु नहीं कर सकता कि एक जो जानवर है कि वो सिर्फ अपनी सिंपल नेचर की बदौलत उन लोगों को हम हायर एनिमल्स कह दें। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी जानब, यहाँ पे कोमा लगाएं, ही ऑल्सो क्लेम्स दैट, वो ये भी क्लेम करता है कि ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रूटल नेचर आर लोअर एनिमल्स, वो क्या हैं, निचले दर्जे के जानवर हैं। ये था जी इसका सटायर, जिसकी बेसिस पे हमने रिलीजियस इसको एट्रोसिटीज का प्रूव करना है कि भाई रिलीजियस एट्रोसिटी है इसके अंदर, रिलीजियस एट्रोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हेयर, यहाँ पर ही वांट्स टू मिरर द ह्यूमन बींग्स, वो फ्रेम में, शीशे में लाना चाहता है ह्यूमन बींग्स को, आर रिलीजियस एनिमल, वो कहता है ये एक रिलीजियस एनिमल है। मार्क ट्विन डिस्कस द डिफरेंट एट्रोसिटीज एज वेल एज अ रिलीजियस एट्रोसिटीज। मार्क ट्विन डिस्कस एट्रोसिटीज तो डिस्कस करता ही है डिफरेंट, लेकिन वो साथ साथ रिलीजियस एट्रोसिटीज डिस्कस करता है टू रिफॉर्म देम। एक्चुअली ये लाइन इसलिए लिखी गई है कि वो रिलीजियस एट्रोसिटीज कहकर, हमें मजहबी जालम कहकर, वो हमारी रिफॉर्म इसलाह करता है। देखे ना, रिफॉर्म देम मतलब पूरी इंसानियत की इसलाह करता है। आगे चलते हैं, दैट इज़ वाई, इसलिए ही गिव्स और हाईलाइट्स अस, वो हमें देता है और हाईलाइट करता है द डिफरेंट इंस्टेंस टू प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को साबित करने के लिए डिफरेंट इंस्टेंस मसाले देता है, इंस्टेंस कहते हैं मसाले देता है। एंड फाइंड्स आउट, और ढूंढ कर निकालता है द डिफेक्ट्स, और नुकसों को निकालता है, जितने भी नुकसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही प्रेजेंट्स, वो सबसे पहले नुमाया करता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन बेसिस ऑफ रीजन रिलीजन सॉरी बेसिस ऑफ रिलीजन रिलीजन मजहब की बुनियाद पर अ ह्यूमन सॉरी अ नंबर ऑफ पीपल, लातदाद लोग बताता है, वर ब्रूटली शलटर, वो जुल्माना तरीके से शलटर कत्ल कर रहे हैं द ऑल फोक, तमाम की तमाम कौम को, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मैरी, मैरी का एक वक्त था, दौरे हुकूमत था इंग्लैंड में उसका, सीजर्स एंड क्रीट, ये सीजर्स एंड क्रीट ये पढ़ चुके हैं कि ये क्रीट कहाँ से, समंदर से दूर ग्रीक वाली साइड पे एरिया है, और सीजर्स किसका, जर्मनी का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इन एडिशन टू, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पैराग्राफ है ये हमने जो रिलीजियस एट्रोसिटीज़ है ना इनको साबित करने के लिए हम लोगों ने ये पैराग्राफ लिखा। देखो कि यहाँ पे किस तरह से लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ये कत्ल व गारत जुल्म की सारी बातें हम लिखेंगे बीच में, ताकि हमें पता चल जाए कि इंसान मजहबी जालम कैसे है। ये टेक्निक के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको फोकस करें स्टूडेंट्स, यही बातें समझने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन एडिशन टू, इसके मजीद इजाफे में ही डिस्कसेस अबाउट नॉर्थन अमेरिकन इंडियन, अब दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं, अब हम स्ट्रॉन्गली सॉरी इंडियन यूज टू डिग आउट, वो आदि थे किसी इसके उखाड़ कर निकाल देते थे, द आइज ऑफ देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों की आँखें, इन द प्रिजन अपने कैदखाने में, वी कैन स्ट्रॉन्गली अंडरस्टैंड, हम मजबूती से समझ सकते हैं द क्रिटिकल व्यूज ऑफ मार्क ट्विन से क्रिटिकल व्यूज को, हेयर यहाँ पर ये जो ऊपर एग्जाम्पल दी उसको, ही गोज टू अनदर एग्जाम्पल, वो एक दूसरी मिसाल पर जाता है, ऑल्सो भी वेन ही प्रजेंट्स एन अदर इवेंट, जब एक दूसरा इवेंट हमें नुमाया करके बताता है अबाउट किंग रिचर्ड के बारे में, दैट ही शट अप, के वो शट अप कर देता है, बंद कर देता है मैनी जोस, काफ़ी ज़्यादा यहूदी फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को, इन अ टावर, एक टावर में, एंड सेट फायर टू देम अलाइव, और उनको जिंदा जला देता है। स्टूडेंट्स ये जितनी भी पैराग्राफ थे दोनों के दोनों, इन दोनों में हमने रिलीजियस एट्रोसिटीज इंसान को मजहबी जालम करार दे दिया, साबित कर दिया कि ये उसने कहा था और ये उसने कहा था। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, हेयर यहाँ पर आर एंसेस्टर्स, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, प्रूव बेस्टियर नेचर्ड, वो बेस्टियर नेचर साबित हो गए, हर हाल में बेस्टियर नेचर साबित हो गए,
पीछे जो पैराग्राफ था उसके हवाले से, ठीक है। एट द सेम टाइम इसी सेम वक्त में ही हाईलाइट्स द टाइम ऑफ द कोलंबस। अब वो एक और एग्जांपल देते हैं, हमने कोलंबस का टाइम भी हाईलाइट कर दिया, इन विच स्पेनिश जॉज, जिसके अंदर स्पेनिश जॉज जो स्पेनिश यहूदी थे, वर कैप्चर्ड एंड ट्रीटेड, उनको पकड़ा गया, उनसे ट्रीट किया क्या, अ शेमफुल मैनर, मतलब उन्होंने उनके साथ बहुत शेमफुल हरकतें की जो बताने के काबिल नहीं थी, जो उसने मेंशन भी किया कि मैं प्रिंट करने के काबिल नहीं हूँ जो उन्होंने उनके साथ हरकतें की। जी नेक्स्ट, हाउएवर अगरचा द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं जो मजहब में बहुत आगे जज्बाती होकर चलते हैं, जिलट जिसका मतलब होता है ZEALOT, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ऑफ द मिडल एज, मतलब वस्ती ज़माने के जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो मजहब के अंदर बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, पुल्ड स्किन्स ऑफ देयर ओपोनेंट्स, वो अपने ओपोनेंट्स की अपने मुखालफिन की स्किन को खींच कर उतार देते हैं, एंड स्कैटर्ड साल्ट होते हैं उनके ऊपर नमक छिड़क देते हैं। स्टूडेंट्स क्या बात समझ में आई, ये रेफरेंस मैं पिछले थीम में दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये रेफरेंस इस तरह से यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये रेफरेंस सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कि इंसान एक रिलीजियस एट्रोसिटीज़ है, ओके, उसके लिए ये रेफरेंस लिखा है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, ही गिव्स द डिटेल ऑफ नंबरलेस पीपल, उसने फिर तादाद लोगों की डिटेल दी, वर मर्सीलेसली किल्ड, उनको बड़े ज़ालिम तरीके से कत्ल कर दिया गया ड्यूरिंग द जोलोवार, जोलोवार के दरमियान। अब जोलोवार आपने पढ़ी हो कौन सी थी, बाय प्रिंस नेपोलियन, नेपोलियन के प्रिंस ने जो कत्ल किए थे, अब ये भी वो एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ टू प्रूव द रिलीजियस एट्रोसिटीज, ये मिसालें काफ़ी हैं रिलीजियस एट्रोसिटीज ज़ालिम मज़हब को साबित करने के लिए। नेक्स्ट, सो एट द एंड ऑफ एंड पर अब हम कंक्लूजन करेंगे, मार्क ट्विन कंक्लूड्स एज वेल एज द इन्फ्लिक्ट्स, मार्क ट्विन नतीजा निकालता है, एज वेल एज इन्फ्लिक्ट्स का मतलब वो आयद करता है, इम्पोज करता है, क्या इम्पोज करता है, अ वेरी पजेंट, पजेंट कहते हैं नोकदार सटायर, चुभने वाले सटायर को वो इम्पोज कर देता है ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर, बट still he does not go overhead or overboard, लेकिन still he does not go overhead or overboard से मतलब ये हुआ, उसने इंसान को ना क्रिटिसाइज ज़रूर किया लेकिन उसने कोई हद क्रॉस नहीं की, वो इंसान के सर पे चढ़कर नहीं बैठ गया, उसने ये नहीं किया कि वो इंसान को अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो ओवरहेड हो गया, उसने गुस्ताखी कर दी किसी की शान में, या उसने किसी की शान में कोई ऐसी गुस्ताखी की, ऐसी गलती की, कोई उसको माफ़ ना करे, उसका पीछा करे, उसको पकड़ ले, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन से अबाउट मार्क ट्वेन, हम मार्क ट्वेन के बारे में ये कह सकते हैं क्या, ही इज़ वेरी फिरोशियस इन क्रिटिसाइजिंग, वो बड़ा फिरोशियस है, बड़ा फिरोशियस कहते हैं जलाली, ठीक है, बड़ा आग बगोला, बड़ा इस मामले में तेज़ है, ठीक है, फिरोशियस इन क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज करने में द होल ह्यूमन रेस, पूरी इंसानी नस्ल को, ठीक है, वो बड़ा फिरोशियस है क्रिटिसाइज करने में पूरी इंसानी नस्ल को, एंड फॉर गेटिंग द प्रॉफिट्स, वहाँ उसने पूरी इंसानी नस्ल को कह तो दिया कि ये के सारे क्रिटिसाइज कर दिया, कि ये सारे के सारे तंज करने के काबिल है, लेकिन वो भूल गया किन को, प्रॉफिट्स को, नबियों को भूल गया, पीएस नेक लोगों को भूल गया, एंड ग्रेट रिफॉर्मर्स और बहुत बहुत बड़े इसलाह करने वाले लोगों को भूल गया, वैन हु, ये वैन नहीं है, ये हु है, हु आर द सिंबल्स ऑफ लव, जो इलामत हैं प्यार की, पीस सुकून की, एंड वर्चू और नेकी की। जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, एक्चुअली हकीकत में दिस एसे सेज दैट, ये ऐसे कहता है, अब आपको समझ आ गई ऊपर वाला पैराग्राफ मैंने क्या लिखा। अब हम मैंने जितने भी ये रेफरेंस दिए और ये वाला रेफरेंस दिया पैराग्राफ का, रेफरेंस दे के मैंने ये क्लियर कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक कि भाई इन सारे पैराग्राफ्स ये कह रहा नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि भाई उसने एक्चुअली क्या कुछ किया। अब कहते हैं एक्चुअली दिस ऐसे सेज दैट, अब एक्चुअली ऐसे कहता है वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड, ये है इसका कंक्लूजन, हम बेहतर नहीं हुए, वो इंसान अकल की बुनियाद पर बेहतर होता है ना, तो हम बेहतर नहीं हुए किस लिहाज से, और इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, हमारे इथिकल और मॉरल वैल्यूज के लिहाज से हम बेहतर नहीं हुए, रादर बजाय इसके वी हैव इन्वेंटेड मोर डेंजरस वेपन्स, इसकी बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे हर मुल्क हर इंसान ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार पैदा कर रहा है कि कैसे इंसानों को ख़त्म करना है, ठीक है जी।
एंड न्यू मेथड ऑफ ब्लडशेड, और नए से नए तरीके निकाल रहा है कत्ल वारत के, ब्लडशेड कत्ल वारत खून रेजी के, ठीक है। पीपल आर बीइंग किल्ड, लोग कत्ल हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग की बुनियाद पर, रेस नस्लों की बुनियाद पर, लैंग्वेज जबान की बुनियाद पर, रिलीजियस मजहब की बुनियाद पर, एंड कॉलस बेसिस, एंड कॉलस बेसिस मतलब कॉलस कहते हैं बेरहम, ठीक है, बेरहम की बुनियाद पर वो लोग कत्ल हो रहे, बेरहमी की बुनियाद। इट इज़ ऑन द बेस ऑफ जस्ट रिलीजियस एट्रोसिटीज, ये जो ऐसे है, ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, ऐसे के लिए, जो ऐसे है सिर्फ बेस किस पर है, रिलीजियस एट्रोसिटीज़ है। स्टूडेंट्स इससे बढ़कर कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इसको यूज़ करें, याद करें, इसे तस्वीर इसकी खींच कर जो है स्क्रीन शॉट लेकर आप इसको थोड़ा क्रीप करके नोट करके लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने एक लफ्ज़ बोला है अपने मुंह से, हर वर्ड का मतलब बता दिया है, वो आप लोग खुद मतलब लिख सकते हैं, इसको लिखें और इसको याद करें, बस इसको अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपका BSc का ये पेपर सबसे अच्छा होगा अगर आपने यूँ ही लिख दिया तो, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरे से कोई भी किसी और मुझसे किसी किस्म कोई भी हेल्प चाहिए स्टूडेंट्स मुझे बताएं, कमेंट्स करें, मैं आप लोगों की हेल्प करूं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस का वेट करें, मैं जैसी नई वीडियो जो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।